इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अपनों को दर्द में देख कर व्यक्ति बुरी तरह से टूट जाता है। मानसिक तौर पर इसका सीधा असर आपके मन पर पड़ता है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों से आपका सामना भी होता है जो भविष्य में आपको मिलने वाली होती हैं। ऐसे में आप कमज़ोर नहीं, बल्कि इस तरह की सिचुएशन को फेस करने के लिए आप अपने आप को मजबूत बनाते हैं। दरअसल एक चैट शो में करीना कपूर ने अपनी बहन करिश्मा और बचपन के दिनों को याद करते हुए कई खुलासे किए थे। एक्ट्रेस ने कहा था कि मैं अपनी बहन को रात रात भर माँ के साथ बैठकर रोते हुए देखती थी। वो कहती थी कि लोग उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, मैं पीछे छिपकर सब देखा करती थी क्योंकि वह मेरे सामने ऐसी कोई बात नहीं करते थे। वो नहीं चाहती थी कि मैं उस दर्द से गुजरूं। मैंने बहुत कुछ देखा है, यह सब मुझे बहुत तकलीफ़ देता है। ऐसी कोई भी चीज़ जो मेरे अपनों को दर्द देती है वो मुझे भी दर्द पहुंचाएगी। जब करीना से पूछा गया कि उनकी बहन के संघर्ष ने क्या उन्हें एक्टर बनने से रोका, तो इसके जवाब में एक्ट्रेस ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, इसने मुझे इतना मजबूत बना दिया। अगर मैं कहूँ कि मैं एक आदमी की तरह महसूस करती हूँ तो मैं दुनिया में कुछ भी हैंडल कर सकती हूँ। चाहे कितना भी दर्द हो, कितने भी लोग मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हों, मैं उससे लड़ूंगी क्योंकि मैं अपनी माँ और बहन को संघर्ष के गुजरते हुए देख चुकी हूँ। बेबू की ये बातें उन लोगों को बखूबी समझ आ सकती है जिन्होंने ज़िंदगी में तकलीफ़ों का सामना किया होगा। जी हाँ, वह ज़्यादा मजबूत इंसान के तौर पर दिखाई देंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि करीना कपूर ने ये बड़ा खुलासा अपने चैट शो में किया था और बताया था कि किस तरीके से उनकी माँ और उनकी बहन रात रात भर रोया करती थी। जी हाँ, तो करिश्मा कपूर को लोग नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। काफ़ी संघर्ष भरी ज़िंदगी इन्होंने जी है, जिसको याद करके करीना कपूर बहुत उदास हो गई थी और उन्होंने चैट शो में इसका खुलासा किया था। तो आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 लाइफ से सुरभि की रिपोर्ट।